हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा ही होगा। आज मैं आप लोगों से मालदा जिला के बारे में एक छोटी सी जानकारी शेयर करूंगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल चंदन नाथ इंडियन टूर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यह जिला पश्चिम बंगाल के 23 जिलों में से एक मालदा जिला के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल के उत्तर भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा भारत के एक पड़ोसी देश बांग्लादेश से मिलती है। आपको बता दें कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह जिला पूर्व पाकिस्तान की ओर चल गया था, लेकिन भारत के पश्चिम बंगाल के बंटवारे के बाद यह जिला फिर से पश्चिम बंगाल राज्य में आ गया। मालदा जिला के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो इस जिला के पूर्व भाग की ओर भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश पड़ता है, तथा पश्चिम भाग की ओर भारत का बिहार राज्य और झारखंड राज्य पड़ता है, और उत्तर भाग की ओर फिर से बिहार राज्य और पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर जिला और दक्षिण दिनाजपुर जिला पड़ता है, तथा दक्षिण भाग की ओर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला से घिरा हुआ है। मालदा जिला के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह जिला 3,733 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जिले की मुख्य नदी की बात करें तो गंगा नदी, महानंदा नदी, बेहुला नदी इत्यादि शामिल है। इस जिले के मुख्य भाषा की बात करें तो बंगला है। ऐसे इस जिले में हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। मालदा जिला की वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो इस जिले में 44,09,000 के करीब लोग रहते हैं, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार इस जिले में 39,88,000 के करीब लोग रहते थे, जिसमें पुरुष की आबादी 20,51,000 तथा महिलाओं की आबादी 19,37,000 के करीब थी। मालदा जिला की आबादी धर्म के हिसाब से देखा जाए तो इस जिले में हिंदू आबादी 19,14,000 जो कि 47.99% के करीब है, तथा मुस्लिम आबादी 20,35,000 जो कि 51.97% के करीब है, तथा ईसाई आबादी 13,200 जो कि 0.33% के करीब है, और सिख आबादी 747 जो कि 0.02% के करीब है। बाकी अन्य जाति शामिल है। मालदा जिला में प्रति वर्ग किलोमीटर 1,069 लोग रहते हैं। इस जिले के लिंग अनुपात की बात करें तो 944 है, यानी कि हर 1,000 पुरुष के लिए मालदा जिला में 944 महिलाएं उपस्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों से ठीक ठाक है। आपको बता दें कि दोस्तों मालदा जिला में 15 ब्लॉक, 15 पंचायत समिति, 146 ग्राम पंचायत, एक सदर अस्पताल, एक यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल कॉलेज, 11 पुलिस स्टेशन, एक जिला परिषद, 2 लोकसभा, 12 विधानसभा और 3,701 गाँव में बटा हुआ है। मालदा जिला को शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यह जिला हमेशा से ही अव्वल नंबर में रहा है। यहाँ के नौजवानों में शिक्षा और सरकारी नौकरी की तरफ हमेशा से ही झुकाव रहा है। इस जिले के कुल आबादी में से 20,86,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जो कि 61.73% के करीब है। इसमें पुरुष 11,52,000 जो कि 66.24% के करीब है, तथा महिलाएं 9,34,000 जो कि 56.96% के करीब पढ़ी लिखी है। और मालदा जिला की शिक्षा संस्थान की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज, मालदा मेडिकल कॉलेज, मालदा यूनिवर्सिटी इत्यादि शामिल है, जिसके माध्यम से मालदा वासी और आसपास के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे मालदा जिला की कुल साक्षरता दर की बात करें तो 61.73% के करीब है, जो कि पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों से काफ़ी कम है। मालदा जिला के कुल आबादी में से 20,22,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएँ दोनों शामिल हैं। इस जिले के मुख्य व्यवसाय की बात करें तो खेती है। इस जिले की मुख्य फसल की बात करें तो धान, मक्का, गेहूं, पटुआ इत्यादि शामिल है। ऐसे इस जिले में जूट उद्योग, चावल मिल जैसे कई सारे छोटे बड़े उद्योग भी शामिल है, जिसके माध्यम से मालदा वासी और आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया करवाई जाती है। पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो मालदा जिला में घूमने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे महानंदा व्यू पॉइंट, मालदा म्यूजियम, मालदा वाटर पार्क इत्यादि शामिल है, जहाँ पर आप घूम सकते हैं। यदि दोस्तों आप मालदा जिला में आते हैं तो मालदा जिला में ठहरने के लिए कई सारे वर्ल्ड क्लास होटल देखने को मिल जाएंगे, जैसे होटल गीतांजलि, होटल विनायक, होटल सम्राट मालदा, राज होटल इत्यादि शामिल है, जहां पर आप ठहर सकते हैं। मालदा जिला के गाड़ी पंजीकरण संख्या की बात करें तो WB 65 और WB 66 है, जो कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा यह गाड़ी मालदा जिला की है। मालदा जिला को आगमन की दृष्टि से देखा जाए तो इस जिला में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। मालदा जिला पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से 350 किलोमीटर तथा भारत की राजधानी न्यू दिल्ली से 1497 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। मालदा जिला के रोड मार्ग की बात करें तो इस जिला से राष्ट्रीय राजमार्ग 12, 31, 131 से 512 और राष्ट्रीय राजमार्ग 10 गुजरती है, जिस वजह से यह जिला पश्चिम बंगाल के सभी शहर और भारत के सभी बड़े बड़े शहर से सीधे जुड़े हुए हैं। इसीलिए आपको मालदा जिला से पश्चिम बंगाल के सभी शहर और भारत के सभी बड़े बड़े शहर के लिए सीधी बस सेवा देखने को मिल जाएगी। मालदा जिला के रेल मार्ग की बात करें तो मालदा जिला में मालदा टाउन रेलवे जंक्शन मौजूद है, जो कि मालदा डिवीजन के अंतर्गत ही आते हैं,
यह रेलवे स्टेशन ईस्टर्न रेलवे जोन के मालदा डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस रेलवे स्टेशन का कोड MLDT है। इस रेलवे स्टेशन में 7 प्लेटफॉर्म और 14 ट्रैकें मौजूद हैं। इस रेलवे स्टेशन से आपको पश्चिम बंगाल के सभी शहर और भारत के सभी बड़े बड़े शहर के लिए सीधी ट्रेन देखने को मिल जाएंगे। मालदा जिला के हवाई मार्ग की बात करें तो इस जिला में मालदा एयरपोर्ट मौजूद है, जो कि मुख्य शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। इस हवाई अड्डे से आपको दिल्ली कलकत्ता के लिए सीधी फ्लाइट देखने को मिल जाएंगी। यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।